Assalamualaikum, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हमाद 946 एंड वेलकम टू माय यूट्यूब सीरीज। तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज आई बटन एंड व्हाट इज एंड स्क्रीन और हम किस तरह से आई बटन एंड एंड स्क्रीन यूज कर सकते हैं। अब जो नए यूट्यूबर्स होने नहीं पता होता कि आई बटन बेसिकली होता क्या है एंड एंड स्क्रीन हम कहाँ यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों को पता भी होगा, स्टार्ट में जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तब मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था आई बटन में एंड एंड स्क्रीन में, मतलब कि कैसे लेके आए जाते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल देखेंगे अबाउट आई बटन एंड एंड स्क्रीन। तो विदाउट एनी फर्दर डू चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ। आज हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि व्हाट इज आई बटन एंड व्हाट इज एंड स्क्रीन, हाउ वी यूज इन और वीडियो। अब स्टार्टिंग में जब यूट्यूब पे मैं आया था तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी अबाउट आई बटन पे एंड एंड स्क्रीन पे, कि कैसे लगाया जाता है और वीडियो कितनी लॉन्ग होनी चाहिए इसके लिए और कितनी, मतलब कि आप किस तरह से इसको पुट आउट कर सकते हैं अपने वीडियोज़ पे। अगर आप शॉर्ट वीडियो के लाइक एक मिनट या डेढ़ मिनट से पहले की शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करेंगे और उस पर आपके पास एंड स्क्रीन बटन नहीं आएगा, तो यहाँ पर अभी हम लोग अबाउट देखते हैं एंड स्क्रीन और एड कार्ट, मतलब कि हम लोग आई बटन वगैरह कैसे यूज कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं कि चेक्स पे हमारे पास ये एक रेड कलर का ऑप्शन आ रहा है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वीडियो अपलोड करते हुए बताया था कि हमारे चेक्स पे अगर यहां पर वीडियो अपलोड करते हुए ये ऑप्शन आए तो किस तरह का कॉपीराइट, मतलब आपको आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड की थी अपने चैनल पर वो एक कॉपीराइट फ्री वीडियो थी, इस वजह से यहां पर आपके पास सी डिटेल में यहां पर टिक आ रहा था, वो भी ग्रीन कलर का। तो यहां पर इस वजह से हमें कॉपीराइट नहीं दिया गया। अब यहां पर मैंने कॉपीराइट वीडियो अपलोड किया है ये भी दिखाने के लिए आपको कि यहां पर देखें, अगर आप वीडियो अपलोड करेंगे कॉपीराइट वाली तो यहां पर चेक्स कंप्लीट लिखा हुआ है, कॉपीराइट क्लेम फाउंड यहां पर आपके पास आ चुका है। यहां पर अगर सी डिटेल में आप जाएंगे तो यहां पर आपके पास देखें, जिस तरह से पूरा मैंने एक सॉन्ग उठाया हुआ है, इंग्लिश सॉन्ग है, तो इसको कॉपीराइट यहाँ पर सीधा आ चुका है कि अगर आपने वीडियो लगाई तो ब्लॉक की जाएगी, मतलब कि ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पर आप ये वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, सिंपल इज दैट। अब यहाँ पर एंड स्क्रीन एंड एड कार्ड क्या है और हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, एक इंपोर्ट फ्रॉम वीडियो एंड यहाँ पर ऐड दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें ऐड का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो हम सिंपली ऐड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हमारी वीडियो पे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है कि 3.47 पे हमारी यहाँ पर वीडियो, मतलब कि एंड स्क्रीन शो आउट होगी। अगर आपको इसको कम करना है तो आप इसको कम कर सकते हैं, अगर आपको इससे भी ज़्यादा करना है तो आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रीसेट यहाँ पर गिवन दिए जाते हैं, लाइक एक वीडियो के साथ आपको सब्सक्राइब बटन, उसके बाद यहाँ पर एक वीडियो ऊपर, मतलब मेरे लेफ्ट पे आपके राइट पे आएगी, तो यहाँ पर आपके पास लेफ्ट में आपके पास, मतलब लेफ्ट में आपकी एक वीडियो आ रही है और राइट में आपका सब्सक्राइब बटन आ रहा है, तो थोड़ा नीचे करें तो मिड में आ रहा है। तो मतलब आपको जो भी सेटिंग चाहिए, जैसी भी चाहिए, तो आप इजीली यहां पर आके क्लिक आउट कर सकते हैं अपनी वीडियो के लिए, अपनी वीडियो के सेटिंग्स के लिए। तो एंड स्क्रीन जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लाइक दैट मैं यूज़ करता हूं, तो यहां पर मैं प्रीसेट यूज़ नहीं करता, मैंने अपनी प्रीसेट खुद बनाई हुई है। तो सबसे पहले हम प्रीसेट देख लेते हैं, इसको समझे मैं यहां पर। अब इसको लास्ट वाले को मैंने यहां पर क्लिक किया है, तो मैं इसको यहां पर प्रीसेट रखता हूँ। अब मेरी यहाँ पर प्लेलिस्ट कोई नहीं है तो मैं इसको डिलीट करूँगा। डिलीट करने के बाद यहाँ पर प्लस का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जाकर अगर आपको वीडियो अपलोड करनी है तो आप वीडियो यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर एंड स्क्रीन ला सकते हैं। तो जाहिर सी बात है मेरे चैनल पर जस्ट एक वीडियो अपलोड है, तो उसी को मैंने यहाँ पर अभी अपलोड करना है, मतलब शो आउट करना है, दैट्स वाई इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा लोकल, मतलब जो चैनल है मेरे, यहाँ पर लोगो आ चुका है और यहाँ पर, मतलब कि ये प्रीसेट मैंने यहाँ पर इस तरह से सेट कर लिए हैं। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि हम कस्टम किस तरह से अपने चैनल पे, मतलब कि अपनी लास्ट वीडियो के एंड स्क्रीन कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर एलिमेंट के बटन आ रहा है, आप एलिमेंट पे क्लिक करके भी, मतलब कि वीडियो प्लेलिस्ट, सब्सक्राइबर या फिर चैनल पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसको प्लस का ऑप्शन भी क्लिक करके, आपको वीडियो चाहिए, प्लेलिस्ट चाहिए, सब्सक्राइब का बटन चाहिए या फिर चैनल चाहिए, आप यहाँ पर इजीली ला सकते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट पे जाते हैं और हम एक वीडियो अपलोड करते हैं, लाइक अब जो मेरी प्रीवियस वीडियो अपलोड है, तो जाहिर सी बात है मैं इसको यहाँ से शो आउट करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो चेंज करनी है
तो आप यहाँ पर सिंपली चूज स्पेसिफिक वीडियो पे जाएंगे और आपके चैनल पे जितने भी वीडियोस होंगी आपको शो आउट हो जाएंगी। आप सिंपली अपनी उस वीडियो को क्लिक करेंगे जो कि आपको लगता है कि इस वीडियो के साथ आप एंड स्क्रीन पे रखना चाह रहे हैं। तो अभी मेरी वीडियो ये प्राइवेट है, मैंने अपलोड नहीं की, तो उस वजह से यहाँ पर प्राइवेट शो भी करा है। आपकी वीडियो अपलोडेड होगी तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो उसके बाद यहाँ पर मैं सब्सक्राइब का बटन भी ऐड करना चाहूँगा, तो मेरा यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन भी आ चुका है। तो यहाँ पर मैं जिधर मेरा दिल करेगा, मतलब कि आपकी सेटिंग के लिहाज से आप जहाँ भी क्लिक करेंगे अपनी वीडियो को, मतलब कि आप जहाँ भी रखना चाहेंगे अपने सब्सक्राइब बटन को, तो वहाँ पर आप इजीली इसको हर जगह मूव कर सकते हैं। बट वीडियो के ऊपर जहाँ पर पहले से आपकी प्री वीडियो यहाँ पर लगी होगी वहाँ पर आप नहीं रख सकते, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप एक और चैनल जो है यहाँ पर वो भी यहाँ पर इसका नाम लिख सकते हैं, लाइक एच ए डब्ल्यू एम ए डी 946। मैं यहाँ पर 946 लिखता हूँ तो इसको मैं क्लिक करता हूँ एंड मेरा दूसरा चैनल भी आ चुका है। तो यहाँ पर मैं इसको रखता हूँ कस्टम मैसेज, मतलब के सब टू चैनल। तो मतलब कि मैं अपने लास्ट में ये भी चाहता हूँ कि मेरा जो सेकेंड चैनल है वो भी यहाँ पर शो आउट हो, तो मैं इसको भी यहाँ पर सब्सक्राइब करवाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर किसी का भी चैनल डाल सकते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट पे जाके अगर आपने प्लेलिस्ट करनी है, मतलब कि आपकी वीडियो की प्लेलिस्ट बनी है, तो आप यहाँ पर अपनी वीडियो की प्लेलिस्ट भी यहाँ पर दे सकते हैं। लाइक जैसे हमारी यहाँ पर वीडियो आ रही है तो यहाँ पर हमारे पास एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, आपको जितना भी चाहिए। आप छोटा चाहते हैं तो आप छोटा कर लें सारी वीडियोज़ को, अगर आपको बड़ा चाहिए तो आप उतना रख लें। तो जितना मिनिमम हो सकता है आप इसको रखना चाहते हैं तो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। जितना आपको चाहिए आप अपनी मर्जी से सेटिंग करें यहाँ पर और इसको उसके बाद सेव कर दें। तो सेव करने के बाद यहाँ पर हमारे पास टिक का ऑप्शन आ चुका है एंड हमारी जो एंड स्क्रीन है वो यहाँ पर डन हो गई है। उसके बाद ऐड कार्ड्स क्या होता है, मतलब कि कार्ड्स क्या होते हैं, हम कैसे ऐड कर सकते हैं और क्या होते हैं कार्ड्स। तो यहाँ पर हम ऐड बटन में जाते हैं एंड यहाँ पर हमारे पास वीडियो आ रहा है, प्लेलिस्ट आ रहा है, चैनल आ रहा है। अब आपको मैं ये ज़रा समझा दूँ कि ऐड कार्ड होता क्या है। मतलब कि मेरी वीडियो में भी काफ़ी बार मतलब कि यहाँ पर मतलब कि एक छोटा सा ब्लिंक करता हुआ एक ऑप्शन आता है कि जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि लाइक मेरी वीडियो मेरी प्रीवियस वीडियो जो कि मैंने बनाई है अपलोड वीडियो पे, अगर आपने मेरी अब तक पहले प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, आप आई बटन पे क्लिक करके मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो ये बेसिकली इसलिए यूज़ होता है, जैसे अभी मेरा यहाँ पर ओपन आई बटन भी आया था, तो ये हमारी वीडियो पे चलती हुई वीडियो पे आप अपनी मर्जी से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आपको अब सेलेक्ट करना है अपना आई बटन, अपनी वीडियो प्रीवियस वीडियो दिखानी है जिस तरह से आप बोल रहे हैं, जिस तरह मैंने बोला कि मेरी प्रीवियस वीडियो अपलोड जो मैंने की थी यहाँ पर आई बटन आ रहा है, आप उसको जाकर एक बार ज़रूर देखें। तो मैंने जो बोला था वो 2 मिनट्स पे बोला था, तो यहाँ पर ये आप देखिए हमारा टाइम नोट हो रहा है, तो आपने टाइम को मद्देनज़र रखते हुए अपने ये जो कर्सर है, कर्सर बोलें या फिर ये बड़ी सी जो एडिटिंग बार होती है, सिंपल इज़ दैट समझाने के लिए जो भी है, तो इसको आपने 2 पे लाना है। तो मैं इसको पीछे लेके जाऊंगा एंड 2 पे ले आऊँ, माइनर सेकंड 6 जो हैं वो ज़रा ऊपर हैं। तो यहाँ पर मैं वीडियो अब यहाँ पर देना चाहता हूँ, तो ये मेरी वीडियो आ चुकी है। तो जैसे कि देखें आप सजेस्टेड में आ चुका है हाउ टू सेट कस्टमाइज सेटिंग इन यूट्यूब चैनल, तो इस तरह से हमारा आई बटन आ सकता है। आपने अगर कस्टम मैसेज देना है तो आप कोई भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ये भी आ चुका है। उसके बाद आपने फिर से अगर कार्ड करना है, प्लेलिस्ट भी सेम आपकी ऐसे ही आएगी, अगर आपने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई है प्लेलिस्ट भी आपकी सेम ऐसे ही आएगी। उसके बाद अगर चैनल अगर आपने देना है तो आपने यहाँ पर आना होगा, चैनल का नाम करेक्ट लिखना होगा, जो आपके पास चैनल आएगा आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर कस्टम मैसेज जो आपने देना होगा सब टू चैनल, तो यहाँ पर ये भी आ गया नाम, थोड़ा नाम मैं ठीक कर लेता हूँ सब टू दिस चैनल। तो यहाँ पर आई बटन आपने जहाँ भी उसको उठा के रखना होगा वो यहाँ पर आप इजीली रख लेंगे। तो उसके बाद आपने सिंपली सेव पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर भी आपका सेव हो चुका है। अगर आपने थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी, आपको गलत लगता है कि आपने गलत यहाँ पर सेटिंग की है, एडिट पे आप इजीली जाएं, दोनों पे आप मतलब के इजीली जाके एडिट पे अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की
छोटी सी या बड़ी सी कह सकते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो मुझे लगता है और मुझे उम्मीद है बहुत से लोगों को ये नहीं भी पता होगा, और जिनको पता होगा तो वेल एंड गुड, आपको रीमेमराइज हो गया होगा। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।